गोली लगा था हिरण को, जो कि फॉरेस्ट विभाग ने पशु अस्पताल लाया और हम लोगों ने ट्रीटमेंट करके और इसको जल्दबाजी में रेफर किए हैं हजारीगंज। वन्य प्राणी के तस्करों ने एक हिरण के बच्चे को गोली मारकर उसकी तस्करी का प्रयास किया। तस्करों की गोली हिरण के बच्चे के पांव में लगी। बेजुबान मासूम हिरण दर्द से तड़पता रहा था। इतना ही नहीं, पांव में लगी गोली से तड़पकर बेजुबान हिरण का बच्चा गिरिडीह के बगोदर के दौंदलो गांव में एक बंद पड़ी खदान में कूद गया। हिरण के बच्चे को कूदता देख कई ग्रामीणों ने देखा तो काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ खदान के समीप पहुंची, जहां दर्द से छटपटाते हिरण के बच्चे के आंख से आंसू निकलता देख ग्रामीणों ने घटना की जानकारी दौंदलो गांव के मुखिया तुलसी महतो को दिया। इस दौरान मुखिया भी वहां पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से किसी तरह हिरण के बच्चे को बाहर निकाला। इस दौरान वन विभाग के पदाधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई तो वन विभाग के पदाधिकारी भी पहुंचकर पशु चिकित्सक से हिरण के बच्चे का प्राथमिक इलाज कराते हुए बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग भेज दिया गया। गोली लगा था हिरण को, जो कि फॉरेस्ट विभाग ने पशु अस्पताल लाया और हम लोगों ने ट्रीटमेंट करके और इसको जल्दबाजी में रेफर किए हैं हजारीबाग। सूरज कुमार, क्या है इसमें? हम यहाँ पे दैनिक वैसे में है, पशु अस्पताल बगोदर। हमें कुछ लोगों के द्वारा जानकारी मिला, हम यहीं पर थे, जानकारी मिला कि एक हिरण आया हुआ है और जो सो एक तालाब है टाइप का खाद है उसमें छलांग लगा दिया, तो लोग इसको पकड़ करके रखा। फिर हम वहाँ पर पहुँचे, देखे अपने आँखों से तो सही में देखे कि दोनों पैर में, एक साइड का बाया पट्टी का दोनों पैर में गोली लगा हुआ था। गोली का निशान भी समझ में हम लोग को आ रहा था, हम सोचे कि घायल है तो इसको वन विभाग को फोन कर दिए हैं। अभी तक करीब आधे घंटे हो गई है, वन विभाग के लोग अभी तक पहुंचे नहीं है। बता दें कि बगोदर के वनपाल अंशु पांडे के देखरेख में हिरण के बच्चे को भेजा गया। क्या गोली लगने की बात कही जा रही है? गोली लगने का अभी जब तक बताएंगे नहीं हमको, क्या है नहीं है। यहाँ तो डॉक्टर गोली लगने की बात बता रहे हैं, यहाँ पे गोली लगने की बात बता रहे हैं, तो हमको तो रिपोर्ट वो दिए नहीं है। वैसे रिपोर्ट देंगे वो, उस हिसाब से फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कहाँ ले हजारीबाग ले जा रहे हैं? वैसे ये स्पष्ट नहीं हुआ है बच्चे को गोली किसने मारा और बगोदर के दौंदलो गांव के जंगल में मौजूद हिरण के बच्चे तक वन्य प्राणियों के तस्कर कैसे पहुंच गए। लिहाजा अब बगोदर पुलिस और वन विभाग दोनों ही मामले की जांच में जुटी हुई है। गिरिडीह से दिनेश कुमार रजक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।